हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स चार्ट मास्टर ग्रुप। सो आज हम फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज जो ऑप्शन कॉल आपको दिया गया था 16,750 का, लगभग इसमें डबल से ऊपर प्रॉफिट आपका हुआ। ठीक है, लगभग 150 में मैं कॉल दिए थे, जो स्टॉक लगभग अगर आज देखेंगे आज 300 के आसपास भी चला गया था, नियरली 290-295 तक जाके क्लोजिंग दिया है। शायद आप देख सकते हैं इसको, एक ही कॉल दिया गया था जिसमें कि बहुत ही अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हुआ है। तो कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल के लिए जो सीनरियो बन रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी यहाँ पर डे चार्ट में जो बड़ा रेजिस्टेंस था इसको अभी ब्रेक किया है। आप सभी यूट्यूब में आप देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी ये बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब एक्सक्यूजेस भी हो रहा है बहुत कुछ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हैं कि निफ्टी में किस टाइप का मूवमेंट आज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी सिंपल सा यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकआउट एक दिया है, जो कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा कैंडल बना है। तो कल के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी में किस टाइप का मूवमेंट हो सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कल के लिए निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 16,937। ठीक है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तो मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होकर 16,937 को होल्ड कर लेता है तो आपको पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, 17,235। और मेरे हिसाब से ये वाला जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, 17,200 का जो टारगेट है, और इसके साथ साथ और एक टारगेट यहाँ पे भी आपका आ सकता है 7,480। तो ये दो टारगेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा विद इन वन वीक में, जैसे बोला था कि विद इन वन वीक यू कैन सी 7,450। तो मुझे लग रहा है कि इस वीक में भी मार्केट में इस टाइप का मूवमेंट होने का चांसेस है। अगर मार्केट थोड़ा सपोर्टिव रहता है, जो फैक्टर्स वगैरह है अभी वर्ल्ड की उसमें थोड़ा नेगेटिविटी प्रिवेल कर रहा है, इसके वजह से मार्केट में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में कल अपसाइड मूवमेंट होना चाहिए अगर मार्केट 16,937 को क्रॉस कर लेते। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रुप में मैं एक 7,500 का कॉल ऑप्शन दिया हूं हीरो जीरो के लिए। तो जो लोग यहां पे एंट्री किए हैं मैं उन लोगों को बता दूँ कि अगर आप हीरो जीरो के लिए रखे हैं तो इसका रिटर्न के लिए आप ज़्यादा उम्मीद ना करें। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर मूवमेंट हो जाता है तो आपका जो 800 रुपीज़ वो डेफिनेटली लगभग 4,000 का रिटर्न देगा, जैसे कि लास्ट थर्सडे को हुआ था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में बुलिश मूवमेंट होना चाहिए 2-3 दिन में। तो अगर अच्छा खासा टाइम लेके बुलिश मूवमेंट हो जाता है, प्रीमियम डीके नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर वो वाला कॉल में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ताकि बाकी मैं जो आपको बोला जो जो लेवल्स वगैरह दिया इसके हिसाब से आप कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल मार्केट ओपनिंग के बाद, प्री ओपनिंग सेशन के बाद बिफोर 9:15 मैं आपको निफ्टी का पोजीशंस भी प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ ट्राई करूंगा कि आपको ऑप्शन का कुछ कॉल प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो।